पिछले 5 मिनटों में दबंग दिल्ली को सिर्फ 5 पॉइंट मिले, वहीं बेंगलुरु बुल्स को मिले 11 पॉइंट। 13 पॉइंट की लीड थी, लेकिन ये देखिए घटकर सिर्फ 1 पॉइंट की रह गई। और जैसा हमने आपको बताया, पिछले 5 मिनटों में बेंगलुरु बुल्स ने 12 पॉइंट लिए हैं। प्लेऑफ के लिए मामला गर्माता जा रहा। जाइए प्रभु जाइए, 1 पॉइंट दबंग अली। ये गलतियां नहीं करनी है, वापसी हो गई है, डिफेंस से पॉइंट लीक नहीं करने, ये सबसे बड़ा सूत्र है। और ये देखिए भरत हुड्डा ने फ्लाइंग हैंड टच किया और जाते जाते पैर लग गया, पैर पे हाथ लगा तो 2 पॉइंट लिए थे, उसमें से 1 रिवाइवल हुआ है। भरत हुड्डा बोनस मांग रहे हैं, वो बोनस 2 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स, 2 पॉइंट फिर स्कोर बराबर, बोनस मिला तो लीड में आएंगे बुल्स। रूप कुमार करते थे मुंबई के लिए, वो अब भरत हुड्डा बुल्स के लिए कर रहे हैं, वापसी के वापसी करवा रहे हैं। बोनस प्लस, बोनस प्लस 2, ओके 3 पॉइंट, ओके क्लियर पैक बेंगलुरु बुल्स चैलेंज, बोनस प्लस 3 पॉइंट और डिसीजन लीडर से बोनस, नो बोनस ओनली 2 पॉइंट। लेकिन अब जब मांग करनी है तो बड़ी कीजिए, बोनस प्लस 2 नहीं, बोनस प्लस 3 मांगे हैं, 2 तो मिल चुके हैं। वो कह रहे हैं मांग लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रिव्यू, तो बोनस के कारण अगर बोनस मिल गया तो रिव्यू बचेगा, तो जब मांग करनी है तो बड़ी कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बोनस तो नहीं लग रहा, बोनस के लिए एक पैर आपका ब्लैक लाइन की दूसरी तरफ होना चाहिए और उसी समय अगला पैर पूरी तरह से हवा में होना चाहिए। तो यहाँ से निशांक, क्या आपको बोनस लग रहा है? यहाँ से तो बोनस नहीं लग रहा है, पर दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा। पीछे वाला पैर टेढ़ा गया जब ये लाइन के ऊपर पड़ा और उसके बाद अगला पैर आ गया जमीन पर और पीछे वाला पैर क्लियर हुआ नहीं, तो बोनस कम से कम इस ट्राई में निशान नहीं है। बिल्कुल बोनस तो नहीं है, लाइन पूरी तरह से कट रही है। अब टच गिन लें, रवि आउट है, अमित हुड्डा आउट है, तीसरा टच कहां से मांगा? हो सकता है कि ये ग्लव खेलने की ट्राई की हो। रवि का टच हुआ और अमित हुड्डा का टच हुआ, अमित हुड्डा को उठा के ये दिल्ली से बैंगलोर ले आए भरत हुड्डा, वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट 2 मिले और रिव्यू शायद जाए, रिव्यू शायद नहीं सुनील, यहां पर पक्का जाएगा क्योंकि 2 टच पॉइंट मिले। लेकिन जैसा आपने कहा मांगा है तो फिर दिल खोल के मांगो, बोनस प्लस 3 की मांग दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी 2 मिनट का वक्त, रिव्यू बचाकर करते क्या। चलिए डिसीजन आ गया, देखते हैं। Unsuccessful, only 2 points, Bengaluru Bulls, captain, your review is over. Score बराबर है, ये सबसे बड़ी बात है, review गया Bulls का, कोई बात नहीं, पर 13 points से पिछड़ने के बाद वापसी, क्या Bulls जीत पाएंगे? चलिए coaches corner पे फिर से लिए चलते हैं। Please number, substitute number, फिर 5 हो जाएंगे अगर तुमने गलत बोनस नंबर 7 बोनस तो 4 में इजी हो जाता है, पॉइंट देना 5 में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, है? और क्या कृष्ण सेन मारेगा, ध्यान दे, बस ये क्या तुम भाई बड़की बात, रणवीर सिंह सहरावत की नीति थी बोनस पे, फिर उनको ध्यान आया कि वहां 4 खिलाड़ी हैं, वहां बोनस ऑफ है और अब आशु की जगह कृष्ण ढुल अंदर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण चेन टैकल करेंगे और हुड्डा साहब ने कहा एक टैकल कर लो बात बन जाएगी, नहीं इतना आसान होगा दिल्ली के लिए क्योंकि मोमेंटम पूरी तरह से बुल्स के पास है और अगर दिल्ली ने जीतना है तो जीत का सूत्र इस खिलाड़ी के पास है, नवीन एक्सप्रेस, एक बड़ी रेड चाहिए दिल्ली को मैच में वापस लौटने के लिए। से पिछड़ रहे थे विकास कंडोला और उसके बाद भारत ने 17 सुपर 10 लगा के वापसी करवाई।
के लिए ग्रीन कार्ड मिला है। खैर बुल्स माइंड नहीं करेंगे, लीड में आ गए हैं। दिल्ली ने अगर सुपर टैकल किया तो लीड पलटेगी और दो दो रेड बाकी हैं। भारत हुड्डा को कैसे सुपर टैकल करेंगे आप? दो पॉइंट की मांग कर रहे हैं, दो पॉइंट मिले भारत हुड्डा को और दबंग दिल्ली एक बार फिर से ऑल आउट के करीब पहुंचती हुई। फिलहाल मैच में टोटल 5 ऑल आउट हो चुके हैं, ये छठा ऑल आउट होगा अगर विजय ने ना बताया तो। और बुल्स के डिफेंस की परीक्षा है, विजय अगर मल्टी पॉइंट ले आए तो मैच में वापस आएंगे। महिंदर शाबाश दबंग दिल्ली, इस मुकाबले का छठा ऑल आउट, तीन बार बुल्स ऑल आउट हुए, तीन बार दबंग दिल्ली ऑल आउट हुई। कमबैक किया बुल्स ने, बदला लिया बुल्स ने, आखिरी 1.5 मिनट का वक्त बाकी, सारा काम करवाया रेडर्स ने। पहले विकास कंडोला, उसके बाद भारत हुड्डा और अब महिंदर चले हैं। पिछले 10 मिनट में महिंदर बेहतर खेले हैं। अब बुल्स को पता है लंबी रेड करनी है, मैच आप जीतेंगे अनलेस आप डिफेंस में गलतियां ना करें। पिछले 5 मिनट 18 पॉइंट और 5 मिनट और जोड़ दें, जब 10 मिनट बाकी थे भारत ने जो 10-10 सेकंड की रेड की, तो एक एक टच लाते रहे, वहां से वापसी हुई है। पता है सुनील, आपको निशांत कह भी रहे थे आखिरी के 5 मिनट में देखना बुल्स कमबैक करेगी, क्यों निशांत? बिल्कुल, हमने देखा है भरत को लास्ट में पूरी तरह से हावी हो गया डिफेंस में और वही किया। शुरुआत में दिल्ली ने डिफेंस में परेशान किया था भरत को और उसके बाद भरत ने पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाई रेडिंग में। दूसरे हाफ में आशु ने रेड नहीं की, पहले हाफ में अच्छा खासा चल रहे थे, विजय ने ज्यादा रेड नहीं की, लेकिन गलती हुई दिल्ली के डिफेंस से। पहले हाफ में बहुत अच्छा खेली, दूसरे हाफ में भरत को एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट आपने लगातार लुटाए और अब दिल्ली के लिए हो गई है मुश्किल। 4 मैच बाकी हैं, चारों जीते तो 70 पॉइंट पे पहुंचेंगे या 71 पे, तो 3 कम से कम जीतने पड़ेंगे। बुल्स आज जीत के नंबर 2 पे आ जाएंगे और बुल्स ने नंबर 2 या नंबर 1 पे रहना है, वो उनका टारगेट है। दबंग दिल्ली अभी भी प्ले ऑफ का रास्ता खुला हुआ है, अभी भी आपके 4 मैचेस बाकी हैं, दोनों टीमें टॉप 6 में फिनिश कर सकती हैं। बुल्स की स्थिति इस जीत के बाद बेहतर हो जाएगी और वापसी कमबैक जो बुल्स ने की है वो कमाल है। प्लस 1 पॉइंट दबंग दिल्ली, मल्टी पॉइंट रेड यहाँ पर की विजय मलिक ने और अब अंतर घट के हो गया है 2 पॉइंट का। यहाँ विजय मलिक ने पहले बोनस लिया, उसके बाद एंकल होल्ड से बचे और वापस पहुंचे। बोनस प्लस 2 पॉइंट, सेल्फ आउट, आउट ऑफ बाउंस, ओके ठीक है सर। दबंग दिल्ली चैलेंज, बोनस प्लस 2 पॉइंट, नॉट डिफेंडेड, आउट ऑफ बाउंस, आवर डिसीजन बोनस प्लस 1, प्लीज रिव्यू। चलिए ट्राई करने में क्या जाता है, इन्होंने कहा बोनस प्लस 2 पॉइंट, इनके हिसाब से एक डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड गए थे बेंगलुरु बुल्स के, तो उसका 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो आपने दिए। और कुणाल, अगर वाकई में कुछ खिलाड़ी सेल्फ आउट है तो स्कोर में 1 पॉइंट की लीड बचेगी, अब आउट ऑफ बाउंड नहीं हो सकते क्योंकि टच हो गया था, स्ट्रगल शुरू हो गई थी। तो या तो विकास कंडोला पूरे बाहर जाए, जो बाहर नहीं गए थोड़े भी बाहर नहीं गए, लेकिन ये एक अच्छा रिव्यू था दिल्ली का, क्योंकि अगर 3 पॉइंट मिलते तो लीड बचती 1 पॉइंट की और आप बोनस, आप बॉक लाइन कवर करके खेलते, मुकाबला टाई करवा सकते थे। तो आइडिया बुरा नहीं था क्योंकि विकास कंडोला बैक लाइन तक चले गए थे पर बाहर नहीं गए, यानी कि एडवांटेज बुल्स का है, 1 रेड बाकी है, आप 1 पॉइंट लूज भी कर दें तो भी जीतेंगे। आखिरी 9 सेकेंड का वक्त बाकी और यहां फैसला आ रहा है। क्या कमबैक की है बुल्स ने, 13 पॉइंट से पिछड़ रहे थे, दोबारा से जांच लें क्या ये बोनस है, बोनस है, तो ये भी एक अच्छा मामला है कि जो बोनस दिया गया उसको भी जांच लिया जाए, लेकिन बोनस था। तो ग्राउंड अंपायर का फैसला 1+1 2 पॉइंट रहेगा। रिव्यू अनसक्सेसफुल, बोनस प्लस 1 पॉइंट दबंग दिल्ली, कैप्टन योर रिव्यू ओवर। दोनों टीम्स ने अपना रिव्यू गवा दिया, आखिरी 9 सेकंड का वक्त बाकी, आखिरी रेड बाकी, बेंगलुरु बुल्स करेंगे रेड करने और बेंगलुरु बुल्स ने इस सीजन तीसरी बार कमबैक किया। डू ऑर डाई रेड, बॉक लाइन क्रॉस नहीं भी करेंगे तो भी सिर्फ 1 ही पॉइंट खोएंगे और बेंगलुरु बुल्स इस मुकाबले को जीत जाए। और पहुंच गई है बेंगलुरु बुल्स अब पॉइंट टेबल पे दूसरे स्थान पर, लेकिन भारत को दूसरे हाफ में रोकना आज दबंग दिल्ली के बस की बात नहीं। बेंगलुरु बुल्स, भारत हुड्डा सीजन 9 के बहुत बड़े सुपरस्टार बनके उभरे हैं,
24 रेड में 23 रेड पॉइंट लिए हैं भरत हुड्डा ने। दूसरे हाफ के कम बैक